लिए ठीक होगा। वो हमारे बाबूजी हैं। तुम बाबूजी को घर से कैसे निकाल सकती हो? क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे वो हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, बाबूजी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। मयूरी, होश में आओ मयूरी, होश में आओ। अरे क्या बोल रही हो, होश में आओ। सुना नहीं तुमने? मयूरी भाई करेगी जो मयूरी की गत के लिए ठीक होगा। समझ में आ रहा है माया, तुमने जरूर मयूरी पे कोई जादू किया है, वरना मयूरी अपने बाबूजी को कभी सपने में भी घर से नहीं निकाल सकती। ये ऊपर गई, ये नीचे आई। जैसा कि अभी जो कहानी चल रही है चिड़ियाघर में, कि एक बुरी आत्मा है
जो मेरी बेटी गज के अंदर आ गई है। अजीब सा बिहेव कर रही है गज, क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा है, तो सब लोग बहुत परेशान हैं। वो आत्मा षड्यंत्र कर रही है हमारा घर तोड़ने के लिए, चिड़ियाघर टूट जाए, हमारी जो परिवार की एकता है वो टूट जाए। तो वो आत्मा गज के ज़रिए एक एक करके सब घर वालों को घर से निकाल रही है, हमारा पूरा घर तोड़ रही है। पहले भैया को निकाला, भाभी को निकाला, कपी चुहिया को निकाला, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि बाबूजी भी घर छोड़कर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे असलियत पता लगती है कि ये कौन करवा रहा है, एक बुरी आत्मा है जो ये सब कुछ करवा रही है। तो ये सिचुएशन चल रही है घर में। मतलब सबको विश्वास नहीं था कि गज के अंदर कोई आत्मा है, तो क्या रिएक्शन था सबका, सबको पता चलता है तब? देखिए आप सोचिए, किसी के अंदर अगर बुरी आत्मा आ जाए, किसी के अंदर कोई आत्मा बुरी भी छोड़िए, अगर हम बोलें कि कोई आदमी है या कोई लेडी है, कोई भी है, उसके अंदर आत्मा आ गई, तो अपने आप में बहुत भयानक होता है सुनने के लिए। और जब पता लगे कि वो आत्मा जो आई है वो बुरी हो, तो और ज़्यादा भयानक हो जाती है। और जब पता लगे कि वो बुरी आत्मा एक छोटी बच्ची के अंदर आई है, तो और ज़्यादा डरावनी सिचुएशन हो जाती है। वही हुआ, छोटी सी मासूम बच्ची है, उसके अंदर एक आत्मा आ गई जो कि पता नहीं उससे क्या क्या करवा रही है। तो एक बहुत ही माँ बाप के लिए क्या सिचुएशन होगी, जैसे कि मैं, मेरी बेटी है, तो एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही, मतलब माँ बाप को समझ नहीं आता वो क्या करें। तो ये सिचुएशन चल रही है। घर को एक करने के लिए आप क्या करेंगे, एकजुट होने के लिए? जी, हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग सब मिलके एक होके अपने परिवार की एकता की जो शक्ति है उससे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अभी मुझे पता लगा इस सीन में कि कुछ तो गड़बड़ है, गज के अंदर कुछ तो आत्मा है, जो बुरी आत्मा जो ये सब करवा रही है। अभी कुछ ना कुछ होगा और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहूँगा? ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि एक होकर रहें, अपने परिवार को समझें, परिवार का महत्व समझें, एक होकर रहें। अगर चार बर्तन होते हैं घर में तो आवाज़ तो आती है, लेकिन उसका ये मतलब ये नहीं है कि हम सब बर्तनों को हटा दें और एक ही बर्तन रखें। तो सब लोग साथ में रहें, छोटी मोटे अगर मन मुटाव होते हैं तो उसको भूल कर सब लोग साथ में रहें, ताकि जब भी परिवार पे कोई मुश्किल आए तो सब लोग साथ मिल के उसका सामना कर सकें। हैप्पी फैमिली। थैंक यू। जो मेरे ताऊ जी हैं वो मेरे लिए एक बॉक्स लेके आए थे, उसमें से बटरफ्लाई निकला और वो बटरफ्लाई मेरे अंदर चला गया, तो वो बटरफ्लाई में आत्मा थी। तो उस बटरफ्लाई को मैंने खाया तो मेरे में आत्मा आ गई, तो अब मेरे में आत्मा आई हुई है, इसलिए मैं उठपटांग चीज़ें कर रही हूँ। घर से सब लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरे पास गए थे और उनको ब्लू वाटर दिया था, जो कि गोटक अंकल को पिलाना था मेरे ताऊ जी को, पर उन्होंने बाप